हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आप लोग जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए इन्फोसिस यानी कि इन्फी क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स हर कोई इंतजार कर रहा है। तो बिल्कुल सामने आपके आने वाले हैं रिजल्ट्स, कुछ ही दिन बाकी हैं। फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करता है इन्फोसिस इस क्वार्टर में, लेकिन इस बार कंडीशन अच्छी नहीं है। और अब तक इन्फोसिस 8 बार बोनस शेयर्स भी दे चुका है। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है, 8 बार बोनस शेयर्स दे चुका है इन्फोसिस। लेकिन इस टाइम माहौल सही नहीं है, अपने इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने की हर कोई कोशिश करता है। और इन्फोसिस के शेयर में जिस तरीके से बड़ी गिरावट, कुछ टाइम पहले विशल ब्लोअर के कंप्लेंट आई थी, फिर अभी ये वायरस अटैक ठहरा, तो मतलब इसकी वजह से अगर आप देखोगे मतलब बड़ी गिरावट हम देख पा रहे हैं। लेकिन फिलहाल रिजल्ट की डेट, पुराने डिविडेंड्स, पुराने बोनस, उन सारे ऊपर फोकस करते हैं, साथ में टेक्निकल फंडामेंटल के ऊपर फोकस करते हैं इन्फोसिस के बारे में। आज विप्रो का रिजल्ट है, कल TCS का आने वाला है और फिर इन्फोसिस का। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। और आपके लिए जो डीमैट अकाउंट हमारे लिए हमारे थ्रू ओपन करता है, उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस की जो सीरीज है उसकी मेंबरशिप उसको रिफंड हो जाएगी। ज्वाइन तो करना पड़ेगा क्योंकि यूट्यूब का फीचर है, और मेंबरशिप का अमाउंट जो है 3 महीने का उसको रिफंड हो जाएगा। 3 महीने में तो वो बिल्कुल चैंपियन हो जाएगा। चलिए अब लेके जाते हैं आपको सीधे इन्फोसिस की तरफ। उससे पहले जरा अमेरिकन मार्केट के हालात देख लीजिए। डाउ जोन्स 524 पॉइंट नीचे गिरा हुआ है, नैस्टैग 130 पॉइंट नीचे गिरा हुआ है। जरा इन्फोसिस को अमेरिकन मार्केट में अभी देख लेते हैं क्या हालात है, क्योंकि ये अमेरिकन मार्केट में लिस्टेड है तो यहाँ आपको देखने को मिल जाता है इन्फोसिस का शेयर। एक नज़र देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ADRs हैं, इन्फोसिस का ADR देखिए 4% गिर चुका है अमेरिकन मार्केट में। जरा ध्यान दें, आज की डेट में HDFC बैंक का ADR, ICICI बैंक का ADR धराशायी हुए हैं। साथ में टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, विप्रो सब नीचे गिरे हैं, बड़ी बुरी तरीके से नीचे गिरे हैं अमेरिकन मार्केट में। 7-7, 8-6-7% नीचे गिरे हुए हैं, देख लीजिए आप। यही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्रूड ऑयल तो आपको ऑलरेडी पता है कि क्रूड ऑयल के दाम में जो बढ़त देखने को मिली थी वो भैया WTI 20 से नीचे, ब्रेंट 27-28 से नीचे। देखिए बड़ी गिरावट क्रूड में भी देखने को मिल रही है। चलते हैं इन्फोसिस की तरफ, समझने की कोशिश करते हैं इन्फोसिस को। इन्फोसिस का शेयर बहुत तेजी देखने को मिल रही है, नया लो देखिए, हायर लो बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन पहले रिजल्ट की बात करेंगे, फिर बाकी बातें करेंगे। देखिए रिजल्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई विप्रो का रिजल्ट आज आ चुका है, आपके साथ नंबर्स आपको दे दिए गए हैं। TCS का रिजल्ट 16 अप्रैल को आएगा, कल की डेट में आएगा, उसके नंबर्स आपको बता दिए जाएंगे। HDFC बैंक देखिए 18 अप्रैल को आएगा, लेकिन इन्फोसिस का रिजल्ट 20 अप्रैल, आज की डेट कितनी है 15 अप्रैल, 5 दिन बाद इन्फोसिस का रिजल्ट आपके सामने होगा। अब रिजल्ट तो सामने होगा, लेकिन ये क्वार्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, फाइनल क्वार्टर है ये। और फाइनल क्वार्टर में देखिए 2015 में इसने इसी क्वार्टर में यहाँ पे इसी टाइम पे 1:1 का बोनस दिया था। चलिए भाई बहुत बढ़िया बात है। उससे पहले अगर मैं देखूँ तो 2006 में भी इसने 1:1 का बोनस दिया था, 2004 में भी फाइनल टाइम पे 3:1 का बोनस दिया था। तो यानी कि भाई बोनस तो यहाँ पे देता है ये, और अब तक 8 बार बोनस शेयर्स इन्फोसिस बांट चुका है, बहुत ही बढ़िया बात, बहुत ही अच्छी बात। लेकिन डिविडेंड की बात करते हैं। देखिए बोनस की बात तो हमने कर ली, डिविडेंड भाई फाइनल क्वार्टर में डिविडेंड जरूर आता है। देखिए 2019 में 10.5 रुपये का डिविडेंड दिया था, 2018 में देखिए 20 रुपये का डिविडेंड दिया था, 2018 में देखिए उससे पहले 10 रुपये का, 30 रुपये का डिविडेंड दिया था 2018 में, देखिए बहुत ही बढ़िया बात भाई। और 2017 में 14-15 रुपये का डिविडेंड दिया था, मतलब भाई हर बार फाइनल डिविडेंड अच्छा खासा देता है। इस बार कितना देता है वो इंपॉर्टेंट, अगर प्रॉफिट में कमी नहीं होगी तो भाई डिविडेंड देना पड़ेगा, फाइनल डिविडेंड है देते हैं हर कोई। अब चलते हैं इन्फोसिस के टेक्निकल की तरफ। और टेक्निकल में बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे कहते हैं मार्केट के हिसाब से, देखिए भाई मार्केट के हिसाब से ही चलना पड़ता है, जहाँ मार्केट जाएगी उसी हिसाब से आपको अर्निंग करनी पड़ेगी, अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो लॉस ही होगा। अब ये देखिए कुछ हमारे मेंबर्स जो हमको रिव्यू करते भेजते हैं या फिर जो उनका ट्रेड होता है उसको भेजते हैं, क्या बढ़िया बढ़िया मतलब क्या सीखने लग गए। देखिए ये डाउन साइड में एंट्री एग्जिट बहुत ही बढ़िया भाई। ये देखिए अब आप ये SL एंट्री खुद ही लोग करते हैं, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज आज का है। देखिए बहुत ही बढ़िया बात भाई, अच्छा खासा काम आपने किया। मैं ये आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ कि ये आप भी सीखो। ये देखिए ये हमने अभी PVR का एक व्यूअर, क्या मस्त एंट्री, कितना प्रॉफिट आज इंट्राडे में कमाया है, जबरदस्त। ये देखिए छोटी छोटी चीज़ें, सुप्रीम इंडस्ट्रीज का छोटी छोटी चीज़ें, देखिए ये SL एंट्री एग्जिट जो हम ये आपको बता रहे हैं, ये हम नहीं बता रहे, ये जो मेंबर्स हैं जो सीख रहे हैं वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं कि हम यहाँ पे एंट्री लिए, हमने ये स्टॉप लॉस लगाया, ये एग्जिट लगाया, मतलब क्या काम है भाई, टिप की जरूरत ही नहीं है, कहाँ से टिप की जरूरत है। देखिए इतने सारे ये आज आज के इनपुट से देखिए हर कोई हमें चार्ट शेयर करता है, और ये नहीं जो प्रॉफिट नहीं लॉस वाले भी शेयर करते हैं कि हाँ आज हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये था क्या, हमने गलत किया कुछ, या फिर
जो है गलत किया, या फिर हमारा जो है ट्रेड गलत हुआ, तो कई सारे, या तो लॉजिक ही गलत हो। यहाँ पर अगर लॉजिक गलत है फिर तो आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और कई बार एसएल हिट हो सकता है, इसीलिए तो एसएल लगाया जाता है। ये देखिए कहाँ पे एसएल लगाया, कहाँ पे एंट्री ली और कितना प्रॉफिट, बहुत ही जबरदस्त। टाइम वाइम सब लिख के भेजते हैं, देखिए इस तरीके से, ये बहुत ही जबरदस्त भाई, एलएनटी में कमाया, हिंदुस्तान यूनिलीवर में कमाया, भाई अमेजिंग कमाई कमाई आपने करी है। देखिए वेदांता में कमाई, ये सारे चार्ट्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, देखिए सुंदरम फाइनेंस में, ताकि आप भी इसी तरह के जब ज्वाइन करोगे टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज, तब आप प्रॉफिट कमाओगे, प्रॉफिट कमाओगे अपनी प्रैक्टिस से, अपनी मेहनत से। प्रैक्टिस आपकी, मेहनत आपकी, पैसा कहाँ से, कौन देगा पैसा, शेयर मार्केट देगा पैसा, आपकी जेब में मार्केट भरेगा पैसा। इंफोसिस लिमिटेड, देखिए चाहे लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म, एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही तो सबसे पहले, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी स्टॉप लॉस की, मतलब लड़ेंगे बाद में, पहले अपने आप को बचाना है भाई, जब बच पाएंगे तभी लड़ पाएंगे। वही बात होती है मार्केट में, जब आप पैसा लगा पाते हो तो भाई इन्वेस्ट रिटर्न तो तभी मिलेगा ना जब आपका पैसा बच पाए, तो पहली प्रायोरिटी होती है टू सेव अवर कैपिटल। उसके लिए हम हमेशा कहते हैं कि स्टॉप लॉस, और बिना एक्सपीरियंस बिना प्रैक्टिस के हम किसी को मार्केट में कूदने ही नहीं देते। कहते भाई पहले तो आप एक काम करो, पहले तो प्रैक्टिस करो ऑफलाइन चार्ट्स में, फिर आप प्रैक्टिस करो लाइव चार्ट में पेपर के साथ ट्रेड करके, फिर अगला स्टेप आपका क्या है, अगला स्टेप आपका है छोटा छोटा 10-10 शेयर लेके खरीद के देखो, कॉन्फिडेंस गेन करो, कॉन्फिडेंस। एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ गया, फिर आप अपनी मर्जी से 100 शेयर लो, 1000 शेयर लो, आपकी मर्जी, रिस्क को मैनेज करो, आपने इतना ही तो सीखना है, यही तो प्रैक्टिस है। अब इन्फोसिस के शेयर को आज देखोगे आप तो 60% का जंप, बहुत ही बढ़िया जंप है भाई, 640 के लेवल पर पहुंच चुका है। किस हालात में अभी इन्फोसिस का शेयर है वो टेक्निकली देखेंगे हम। अब टेक्निकली जब हम शेयर को देख रहे हैं तो आप देखो पूरा यूरोप समझ रहे होंगे आप भी, पूरा अमेरिका किस तरीके से त्राही त्राही कर रहा है, त्राही माम हो रही है भाई। और उसी तरीके से आप देखिए यहाँ पे इन्फोसिस के शेयर में, इन्फोसिस की मेजर मार्केट कौन सी है, यूरोप अमेरिका, तो सिचुएशन खतरनाक है। एडीआर का प्राइस मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है, जंप कर सकता है, जाल में फंस सकता है। अभी क्या होता है, एक चीज़ मैं आपको और बताने की कोशिश करूंगा, इस चीज़ को ध्यान से समझे, कई लोग इस चीज़ को समझते ही नहीं है, कहते हैं बायर्स आगे सेलर्स आगे, भाई फॉर ईच एंड एवरी शेयर जब वो ट्रेड होगा उसके लिए एक बायर होगा एक सेलर होगा, जब आपस में दोनों रजामंद होंगे दोनों अग्री होंगे तभी शेयर ट्रेड होगा। इस चीज़ को ध्यान दें, ये बारीकी है, इसी चीज़ को समझिए। अब आपको कि प्राइस नीचे क्यों करता है और प्राइस ऊपर क्यों चढ़ता है, देखिए जैसे मैं आपको शेयर बेच रहा हूँ, 100 रुपये का माल था अभी के हिसाब से प्राइस, मैं आपको बेच रहा हूँ, मैंने कहा मैं 90 रुपये में बेचता हूँ, आपने कहा आप खरीदने के लिए तैयार हो, आपने 90 रुपये में खरीद लिया, कोई और बंदा आया उसने कहा मैं इसी चीज़ को 80 रुपये में बेचता हूँ, एक बंदा और आया उसने कहा मैं 70 रुपये में बेचता हूँ, तो मार्केट प्राइस तो उसका गिरेगा ही ना, गिरे नीचे गिरेगा, जब बेचने वाले सस्ते में बेचने को तैयार हो जाए तो प्राइस नीचे गिरेगा। वही चीज़ है, 100 रुपये की चीज़ है, खरीदने वाले ने कहा मैं इसको, मार्केट की कंडीशन बुरी है तो भाई बेचने वाला जो है सस्ते में बेचने की कोशिश करेगा। उसी चीज़ को अगर एक बंदे ने 100 रुपये की चीज़ को उसने कहा मैं इसको 105 रुपये में खरीदने को तैयार हूँ, दूसरा आया उसने कहा मैं 110 को खरीदने को तैयार हूँ, तीसरा आया मैं 115 को खरीदने को तैयार हूँ, भाई सेलर जो बेचने वाला है उसको तो फायदा हो रहा हो तो बेचेगा, वो तो कहेगा भाई 115 वाले को बेचूंगा मैं, तू ले भाई मेरे को तो 15 रुपये मिलेगा इसमें, तो वही चीज़ है, तभी तो प्राइस अप होता है। यही चीज़ यही ट्रेडिंग है भाई, ये बेसिक चीज़ आप देखो ये समझोगे तो काम की चीज़ है। और इन्फोसिस के शेयर में अभी जो है लोग, अभी जब रिजल्ट आएगा ना तब उसके बाद लोग बेचने को तैयार होंगे धीरे धीरे करके, वो कहेंगे यार ये तो बड़ी बुरी सिचुएशन दिख रही है अब हम बेचेंगे, तो यही चीज़ होगी। अभी जब तक मार्केट में बेचने वाला नहीं है सस्ती प्राइस पे तब तक शेयर ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, एकदम जंप नहीं है। आप देखिए 19 मार्च को बिल्कुल लो बनाया था 500 का, अब 500 के लो के बाद जो तेजी देखने को मिली काफ़ी अच्छी थी, ये डेली टाइम फ्रेम है, और 674 के लेवल तक ही गया। लेकिन मैं आपको बार बार यही बताता हूँ कि ट्रेंड रिवर्सल जो आपको देखना है, हायर हाई हायर लो की सीरीज, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझनी चाहिए। और मैं इससे पहले भी आपको कह रहा था इन्फोसिस के शेयर में, जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे ये लो बना था और ये सिमिलर काइंड ऑफ लो ये बना था, मान के चलिए सिमिलर काइंड ऑफ लो है, लेकिन यहाँ पे जो पहला हाई था जो अगला हाई बना उससे ऊपर हायर हाई बना, लेकिन जो अच्छी बात थी जो उसके बाद का लो बना वो इससे ऊपर है, यानी कि हायर लो भी हमें मिल गया हायर हाई भी हमें मिल गया। अब इंपॉर्टेंट बात है ये लेवल, सबसे पहले 660 का ये ब्रेकआउट होना, फिर उसके बाद ये लेवल पार होना, अगर ये लेवल पार हो जाता है किसी तरीके से तो मुझे लगता है कि बहुत ही जबरदस्त गुड न्यूज़ होगी इन्फोसिस जैसे शेयर के लिए। कई लोग कहते हैं कि बॉटम, देखिए बॉटम जब आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं ना काफ़ी रिस्की होता है, लेकिन किसी भी शेयर में ट्रेंड रिवर्सल आपको देखने को मिल जाए, फिलहाल ट्रेंड रिवर्सल ये जो हम देख पा रहे हैं ये आवरली चार्ट है जहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिल रही है। इसी को हम अगर डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँ तो डेली टाइम फ्रेम पे अभी सिचुएशन ऐसे गड़बड़ा रही है, अगर आप अभी के मार्केट कंडीशन देखोगे आपको ये क्या हो रहा है, ये ऐसा तो किसी जो छोटे छोटे शेयर्स होते हैं ना जिनमें बहुत कम ट्रेडिंग होती है उस तरीके से, देखिए कभी गैप गैप
गैप पूरी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। पूरा पूरे इस चार्ट को देखिए, आपको लगेगा भाई ये क्या इन्फोसिस का शेयर है, इस तरीके से चार्ट जो देख रहा है ये डेली टाइम फ्रेम है उसमें तो कोई मतलब ऐसा कि कोई श्योरिटी है ही नहीं। बट फिलहाल मैं मुझे जो देख रहा है 670 का जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है अपसाइड ब्रेकआउट के लिए। तो हमने भी यहाँ पे बात करी कि इसके इन्फोसिस के शेयर की बात करी, इसके ADR के प्राइस को भी हमने देखा, अमेरिकन मार्केट्स को भी देखा, रिजल्ट 20 अप्रैल को इसका आने वाला है, बोनस हमने इसका देखा, डिविडेंड देखा। तो भाई इंतजार करेंगे, रिजल्ट जैसे ही आएगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। टेक्निकल एनालिसिस आपको सीखना हो, जो मैंने आपको पूरी सीरीज दिखाई थी ये आज के व्यूअर्स के ट्रेडिंग के इनके डिटेल थी, ट्रेडिंग टेस्टिंग जो भी करते हैं उनकी डिटेल्स थी। वीडियो शेयर कीजिए, मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।